अगर आप एक वेटनरी एस्पायरेंट हो तो ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगी वेटनरी कॉलेज के बारे में, या अगर आप एक वेटनरी स्टूडेंट या वेटनरी डॉक्टर हो तो आई एम श्योर आप इस वीडियो के कंटेंट से काफी ज्यादा रिलेट कर पाओगे, बिकॉज मैं इसमें बताऊंगी आपको 5 चीजें जो आपको नहीं एक्सपेक्ट करनी एक वेटनरी कॉलेज में। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू वेट विजिट। आई एम हंसिका सिंह एंड आई एम अ वेटनरी स्टूडेंट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, do not expect everyone around you to be an animal lover. Yes, you heard that right. तो आपके आसपास ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि एनिमल्स को डिसलाइक करेंगे या फिर सिलेक्टिव लाइकर्स होंगे, जैसे कि डॉग्स की जो फैंसी ब्रीड्स हैं या जो पेट डॉग्स हैं उनको तो पसंद करेंगे लेकिन स्ट्रे डॉग से बहुत दूर रहेंगे, या फिर कुछ ऐसे जो कि लार्ज एनिमल्स जैसे कि कैटल बफलो उनके साथ कंपैशनेट होंगे लेकिन स्मॉल एनिमल्स जैसे कि डॉग्स एंड कैट्स उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। एंड ये बिहेवियर आई डोंट थिंक इज जस्टिफाइड एट ऑल, और इन लोगों में कुछ आपके प्रोफेसर्स भी आ सकते हैं, बिकॉज आज के स्टूडेंट्स कल के प्रोफेसर्स बनेंगे एंड उनकी थिंकिंग एज अ स्टूडेंट भी वही रहती है और प्रोफेसर बनने के बाद भी वही रहती है। और ये जो मैंने लोग आपको बताए हैं वो यूजुअली वो लोग होते हैं जिनकी वेटनरी फर्स्ट या फिर सेकेंड चॉइस भी नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2, Do not expect to pass your examinations without having minimum attendance. तो ये questions मुझसे कुछ लोग पूछते भी हैं कि actually क्या 75% attendance maintain करना जरूरी है? So let me tell you, actually जरूरी होता है minimum 75% attendance maintain करना। तो आप examination clear करना तो छोड़ दो, आपको maybe examination में बैठने भी ना दिया जाए अगर आपकी minimum attendance नहीं है। So yes, be certain of this thing that you are maintaining your attendances regularly. Point number 3, do not expect everything will be taught only about animals. तो ऐसा नहीं है कि वेटनरी में सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है। So basically, वेटनरी also prepares you for a lot more other options that you can take up after your UG. इसमें कुछ टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जैसे कि एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग, जिसमें आपको एनिमल्स के बाय प्रोडक्ट्स सेल करके या फीड एंड फॉडर को सेल करके आपको प्रॉफिट गेन करना होगा, या फिर अकाउंटेंसी के बारे में हमको पढ़ाया जाता है, या फिर हमको कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स डायरेक्टली एनिमल्स रिलेटेड नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होंगे आपके लिए आपके प्रोफेशन। पॉइंट नंबर 4, डू नॉट एक्सपेक्ट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। तो आप पहले के 3 साल सब्सटैंशियल अमाउंट में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मत एक्सपेक्ट करना। इनफैक्ट पहले के 3 साल आपको किसी भी दूसरे प्रोफेशनल कोर्स की तरह लग सकते हैं, बिकॉज क्लासरूम टीचिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है। फिर 4th ईयर से आप क्लिनिक जाना डेली स्टार्ट करते हैं। अब तो क्लिनिक जाना 3rd ईयर से ही स्टार्ट हो गया है, बट स्टिल अटेंडिंग टू केसेस, बैंडेजिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड स्लोली एक्सपोजर टू माइनर एंड मेजर सर्जरीज start only from the 4th year. Final point, do not expect yourself to be a full-fledged surgeon right after you complete your UG. तो आपने अपनी यूजी कम्प्लीट कर ली है, आप एक वेटनरी डॉक्टर बन गए हो, बट ये मत एक्सपेक्ट करना कि अब आप किसी भी टाइप की सर्जरीज सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाओगे। तो अगर मैं आपको कुछ साल पहले का सिनेरियो बताऊं तो एक प्रैक्टिकल बैच में अराउंड 10 या लेस देन 10 स्टूडेंट्स होते थे, तो सबको चांस मिलता था सर्जरी परफॉर्म करने का। बट अब का सिनेरियो ये है कि एक प्रैक्टिकल बैच में अराउंड 25 स्टूडेंट्स होते हैं, तो नेचुरली सबको चांस नहीं मिल पाता है इंडिविजुअली सर्जरी परफॉर्म करने का। तो अगर आपको एक सर्जन बनना है या एनी अदर स्पेशलिस्ट फॉर दैट मैटर, जरूरी है कि आप उसमें पीजी या पीएचडी करो। So that's it for today's video. I hope you liked it or it was useful to you. And if that's the case, give it a thumbs up. And if you haven't subscribed to Vet Visit, then yes, please do. While subscribing, do hit the bell icon so that you're always notified whenever I upload a new video. I'll see you next time. Till then, take care of yourselves and keep loving animals like you always do.